हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जब कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो शरीर में खून की कमी सामने आती है। हीमोग्लोबिन में कमी आना एक आम बात है और यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उल्टा सीधा खाना खाने से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और खून की कमी हो जाती है, जिससे कुपोषण और एनीमिया जैसी परेशानियाँ सामने खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें शरीर में खून की कमी के लक्षण जानने के लिए। इस परेशानी की जांच आपके लक्षण और खून टेस्ट के आधार पर की जाती है। एनीमिया का इलाज उन वजहों पर निर्भर करता है जिनकी वजह से ये दिक्कत आई। कई लोगों का इलाज सिर्फ आयरन की दवाई देकर किया जाता है तो कुछ लोगों को ज़्यादा गंभीर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इस वजह से शरीर में बहते खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और तब नज़र आते हैं कुछ लक्षण, जैसे थकान और कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना, सिर दर्द रहना, सांस फूलना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, बेहोशी होना, त्वचा में पीलापन होना आदि शरीर में खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में एक ही वक्त पर कई लक्षण एक साथ नज़र आते हैं तो कुछ लोगों में लक्षणों से इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है। ये महसूस करना और समझ पाना इतना आसान नहीं होता कि आप एनीमिया के शिकार हैं, और कुछ लोग अपने लक्षणों की आदत डाल लेते हैं और इन्हें सामान्य बात समझते हैं। अगर आपको ये सभी या इनमें से कोई एक लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और बात करें। आइए जानते हैं शरीर में खून की कमी के कुछ कारण। किसी घाव से बहुत ज़्यादा खून बहना, पेट में अल्सर, पेट का कैंसर, बवासीर, पेशाब में खून आना, जल्दी जल्दी रक्तदान करना, पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बच्चों के और बड़ों के पेट में कीड़े होना, शरीर में आयरन और विटामिन की कमी होना आदि खून की कमी के कारण हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए आयरन से भरपूर संतुलित खाना खाएं, चाय कॉफ़ी कम से कम पिएं, विटामिन सी और विटामिन B12, विटामिन B9 वाले आहार ज़्यादा खाएं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ये लाल वाला बटन दबाएं और हाँ, पास ही घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्क्रीन पर आ रही वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर टच या क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।